मध्य प्रदेश होमगार्ड द्वारा नियमितीकरण की मांगों को लेकर भोपाल के होमगार्ड कार्यालय स्थित किया धरना प्रदर्शन। होमगार्ड सैनिकों के द्वारा बताया गया कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए और उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भी नियमितीकरण का फैसला दे दिया गया है, लेकिन होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा न तो न्यायालय की बात को माना तथा न ही राज्य शासन की बात को माना। होमगार्ड का कहना है कि उन्हें 2 माह से वेतन भी नहीं मिला, जिसके कारण उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल पड़ रहा है। उनके परिवार के सदस्य भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि समस्त विभागों में राज्य सरकार द्वारा रिटायरमेंट की सेवा 62 वर्ष से कर दी, लेकिन होमगार्ड विभाग ने इसे नामंजूर कर दिया तथा होमगार्ड में अभी भी रिटायरमेंट की अवधि 60 वर्ष की है। इन सभी मांगों को लेकर भोपाल में मध्य प्रदेश की समस्त होमगार्ड के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और विभाग को चेतावनी दी कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या प्रमुख मांग है? हमारा नियमितीकरण किया जाए और कोर्ट का आदेश पालन किया जाए। कोर्ट, हाई कोर्ट सभी ने आदेश कर चुके हैं कि इनको नियमितीकरण कराया जाए, लेकिन हमारे अधिकारी ऊपर वाले या सरकार उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम इसके लिए एक बार पहले भी आ चुके हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब फिर हमारे लिए एक आदेश नया निकाल दिया कि तुम्हें 3-3 महीने के लिए रोटेशन कर दिया जाएगा, मतलब 3 महीने के लिए घर बिठा दिया जाएगा। वो कब किट मिलेगा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, किसको किट मिलता है किसको नहीं मिलता है मेन समस्या हमारी है। हम चाहते हैं कि नियमितीकरण 2009 से बात हो चुकी है, 2009 से उच्च न्यायालय में केस चल रहा है हमारा और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया हुआ है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको यथावत रखा जाए और नया नियम कानून बनाया जाए। इन्होंने जो 2016 का एक्ट बना दिया है नया नियम, उसमें हम लोगों का ये रख दिया है कि किट जमा का आदेश कर दिया, उसमें ये किट जमा होगी आपकी 41 साल की नौकरी रहेगी। उसके लिए भी हम लोग पिछली बार गृहमंत्री महोदय से मिल चुके हैं और उसमें हम लोगों को 60 वर्ष का कर दिया है और आज की तारीख में 62 साल सारे शासकीय कर्मचारियों का हो चुका है, लेकिन होमगार्डों का ये नहीं हुआ है। सैनिक को बराबर सबको रिटायरमेंट किया जा रहा है। और आज अगर आज आपकी बातें या मांग नहीं मानी जाती तो आप आगे पूरा आंदोलन करेंगे? आंदोलन करें, आंदोलन पूरा। अभी कब तक काम बंद रखेंगे? अभी हमने टाइम दिया है, गृहमंत्री जी से मिलते हैं, जो भी आगे मिलते बनाएंगे। रोटेशन प्रक्रिया जो लागू कर रहे हैं अधिकारी उसके खिलाफ, ताकि हमारे साथ कोई अन्याय ना हो, बच्चे भूखे ना मरे। 2 महीने से अभी तनख्वाह नहीं मिली है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना नहीं जा रहा है। 1985 से लेकर अभी तक 1,30,00,000 वेलफेयर की राशि पता नहीं है कहाँ गए, डकार गए। हाँ, होमगार्ड के अधिकारी, और कोई भी हमारा काम होमगार्ड के अधिकारी होने नहीं दे रहे। इसलिए हम सब में अभी हम क्या डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, ज्यादा हम उग्र सड़कों पर कर नहीं सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी को इतना मजबूर भी मत करो कि वो अपने सर के बाल नोचने लगे। इसलिए हमारा शासन और प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए तक नियमित किया जाए। सबसे एक ही मांग है, बस नियमित करें, और कोई मांग नहीं, नियमित करिए आप, वो नियमित हो जाएंगे, सब हो जाएंगे।